गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और हमने जो इसके थ्री स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आज हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर, ओके, द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर्स इन मैटर वो हम पढ़ेंगे, ओके। अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, आइदर इट इज फिजिकल और इट्स केमिकल। किसी भी मैटर में या किसी भी चीज में जब चेंज होता है तो वो केवल दो तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकल या फिर केमिकल, ओके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज इन मैटर, ओके। यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको, वो एक फिजिकल चेंज की इमेज है। अब फिजिकल चेंज जो यहाँ पे हो रहा है, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि टेम्पररी चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, है ना। टेम्पररी चेंज हो गया, है ना। सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें आइस क्यूब दिख रहे हैं, ओके। आइस क्यूब जनरली जो आपको जो फ्रीजर में आप फ्रीज करें, वाटर को फ्रीज करते हैं उसमें आइस क्यूब्स बन जाते हैं। फिर उन आइस क्यूब्स से लेकर आप नॉर्मल सराउंडिंग्स जो हमें नॉर्मल उसको फ्रीज से बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे उनका समय लग जाएगा, मैल्ट हमें लग जाएगा। सो यहाँ पे आइस वाटर में चेंज हुआ है, तो दिस चेंज इज नॉन एज फिजिकल चेंज, बिकॉज रीजन यही है हम उस पानी को दोबारा से फ्रीजर में अगर डालेंगे वापस से वो आइस क्यूब बन जाएंगे। अगर हम फर्दर उस चीज को अगर हम और इलाबरेट करते हैं, जैसे कि लाइक आइस क्यूब हमने पानी बनाया और उस पानी को हम वापस से गैस में गैस पर डाल उसे गर्म करते हैं, उसे गर्म करेंगे उबालेंगे, उसमें से भाप मीन सब वाटर वेपर्स निकलना स्टार्ट करेंगे, भाप निकलना स्टार्ट करेंगे। उसी भाप को अगर हम किसी ढक्कन से ढक के उसको स्टोर करना रोक दे, तो वहां उस ढक्कन पर पानी के बूंदे बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उन पानी को हम वापस स्टोर अगर स्टोर कर लेंगे, वापस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। सो दिस आर द फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी चेंज हो रहा है, हम वापस हम उसको कन्वर्ट कर सकते। फिर उसी वाटर को अगर हम वापिस से फ्रीजर में डालें तो वापिस से वो आइस क्यूब्स बन जाएंगे। सो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो टेम्पररी हो रहा है, परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है। टेम्पररी चेंज जब होता है किसी भी मैटर में, जब वो एक स्टेट से अनदर स्टेट से, लाइक सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से हम वापस को सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से हमने गैस बनाया, वापस हम गैस से वापस हम उसको लिक्विड में ला के वापस हम उसको सॉलिड बना सकते हैं। लाइक एन एग्जाम्पल हमने वाटर का पढ़ लिया। ये जो जितने भी चेंज हम तो रिवर्स कर सकते हैं, है ना। लाइक बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, वापस पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, ये चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल है, ओके। इसमें जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये जो पहले प्रोसेस है जब बर्फ जो है पानी के अंदर होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग यानी पिघलना, ओके। जब हम पानी को गैस पर रखेंगे, ओके, उबालने के लिए, इस प्रोसेस में जो वाटर वेपर्स बनेंगे इसको प्रोसेस हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ओके। फिर अगर हम उसको उसको रोकना चाहे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट उसी पानी को वापस से हम फ्रीज करना चाहे तो उसको वापस से फ्रीजिंग, ओके। पानी से वापस अगर आपने आइसक्रीम बनाया तो उस पॉइंट को फ्रीजिंग, यानी हमें फ्रीजर में रखकर उसको फ्रीज करना है, ओके। सो नाउ We will understand what is chemical changes. Chemical changes यानी कि कोई permanent change होना किसी भी matter. Okay, suppose कीजिए example है कि आपको बाजार से apple लाए, banana लाए, उसको आपने खाया है. Okay, आपने बाजार से apple या फिर banana लेके आया, उसमें आपने खाया है. तो आफ्टर सम डेज, है ना, एक दो दिन तो ठीक रहेगा, आफ्टर सम डेज सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। दिस चेंज इज नॉन एज केमिकल चेंज। अ परमानेंट चेंज इन द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज, और ये चेंज हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मीन्स कि आपने आप एक बार अगर आपका फ्रूट सड़ गया है तो आप उसको वापस से ताजा नहीं, मतलब वापस से अच्छा नहीं कर सकते, आपको फेंक नहीं पड़ेगा। सो दिस चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज, ओके। आपने देखा होगा कभी, आप जैसे रोटी अगर आप 2 से 3 दिन अगर प्रिजर्व करके रखते तो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये है, इसके साथ साथ फ्रूट्स हो गए, ये सारे एग्जांपल हो गए कि ये केमिकल चेंजेस के, ओके। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस, ओके। सॉल्यूशंस यहाँ पर बेसिकली जब हम किसी भी वाटर में या लिक्विड सब्सटेंस में कोई सॉलिड चीज मिला देते हैं और उसको मीन्स वो परफेक्टली मिल जाता है, तो उस पूरी जो जो नया जो चीज बनेगी वो बनता है सॉल्यूशन। सपोज कीजिए एग्जांपल लीजिए वाटर
उसमें आपने शक्कर डाली है ना, पर लेकिन शक्कर भी हमें इतनी अमाउंट में डालनी हो वो उसमें पूरी तरीके से घुल जाए तो वो क्या हो जाएगा, शुगर और वाटर का सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे सेम हो गया दूध के साथ, आपने दूध लिया उसमें आपने शक्कर डाल दी, तो ये जो सोल्यूशन बना वो आपका शुगर एंड मिल्क का सोल्यूशन बन गया। आपने दूध में ही आपने चॉकलेट पाउडर डाल दिया, वहां पे आपका अब आपका वो जो आपका जो मिल्क शेक बन गया है वो चॉकलेट मिल्क शेक बन गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। ओके, इसकी डेफिनेशन में पढ़ता द यूनिफॉर्म मिक्सचर इन विच ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। ओके, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम कोई दूसरी सब्सटेंस डाले और पूरी तरीके से उसमें मिल जाए, घुल मिल जाए, उस पूरे चीज को हम बोलते हैं सोल्यूशन। ओके, द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन केस ऑफ शुगर इज कॉल्ड अ सोल्यूट। अब लाइक जैसे हमने अगर यहाँ पे मिल्क एंड शुगर लिया है तो जो शुगर है वो हमारा सोल्यूट कहलाएगा। ओके, वेयर एज जो हमारा जो मिल्क है या वाटर है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ओके, पर लेकिन अगर हम कभी अपने कभी नोटिस करोगे कि अब ज्यादा मात्रा में अगर आप शुगर डाल देते हैं तो वो घुल पूरी तरह से घुल नहीं पाती, भले आप उसको बार बार उसको मिलाना चाहे कि वो पूरी तरह से घुल जाए, पर लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि लाइक शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट भी अगर आप ऐड करते तो एक लिमिटेशन तक ही वो घुल मिल सकता, बट लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसके बाद वो उसमें घुलता मिलता नहीं है जब उसके जो सॉल्ट अमाउंट है ना सॉल्यूट है जब उसके अमाउंट को ज्यादा बढ़ा देंगे तो। अब क्या होता है कि जब आपने ज्यादा अमाउंट में शुगर डाल दिया वो घुल मिल नहीं रही, तो क्या होता है कि वो शुगर जो है कुछ अमाउंट के बाद वो पानी के नीचे या दूध के नीचे वो सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, द रिमेनिंग शुगर सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास व्हेन दिस स्टेज इज रीच्ड वी से दैट द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर इज सैचुरेटेड। अब इस प्रोसेस को जब पानी में शुगर एक हद तक मिल गई उसके बाद भी कुछ रिमेनिंग शुगर्स सेटल हो गए नीचे, इस पूरी प्रोसेस को या इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अलाउ द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट, और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि हमारा कुछ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट है या फिर जो हमें शुगर है वो रह गई घुलना मिलना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हमें सैचुरेटेड, और जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि वो और भी ज्यादा उसमें अभी कैपेबिलिटी है कि वो और ज्यादा सॉल्यूट को और डिसॉल्व कर ले। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम ग्लास ऑफ वाटर लिया हमने और उसमें हमने बालू रेत जो होती है ना उसको हमने मिलाने की कोशिश करी, क्या होता है ना आफ्टर सम टाइम जब आप उसको बहुत अच्छे से उसको मिलाते हो, पर लेकिन वो पानी के अंदर नहीं घुल मिलती, वो थोड़े समय बाद जब आप उसको 5-10 मिनट उसको ऐसे छोड़ देंगे, 15-20 मिनट ऐसे छोड़ देंगे, तो आप देखोगे कि जो सैंड है वो धीरे धीरे सेटल होने स्टार्ट हो जाता है। और उसमें एक और चीज आप देखोगे कि जो सैंड जो है नीचे सेटल हो जाता है और वाटर जो है पूरा एकदम साफ दिखने लगता है कि वाटर अलग हो गया, नीचे नीचे का जो पोर्शन है वो सैंड है और वाटर जो है अलग हो गया। और हमें एक और चीज दिखने दिखेगी कि वाटर जो है उसके ऊपर और सैंड नीचे है। ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डज नॉट हैव यूनिफॉर्म मिक्सचर, हैंस इट इज नॉट कॉल्ड ए सॉल्यूशन। और ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि बालू रेत जो है वो पानी के साथ मिली नहीं, सो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब एक और टाइप का हम इसमें देखेंगे कि कभी आपने पानी में कभी आपने तेल की 2-4 बूंद डाल के देखी होगी, उसको आपने मिलाया हो बहुत अच्छे से, तो आप नोटिस करोगे कि दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, है ना, ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होते। ओके, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, है ना, वो अलग दो लेयर बना लेते हैं, द लेयर ऑफ द ऑयल अबव द लेयर ऑफ वाटर। ओके, अब क्या होता है कि जो ऑयल है वो ऊपर तिरता रहता है, ऊपर ऊपर आपको दिखने लग जाता है, पानी उसके नीचे रहता है। ओके, ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं इनमिसिबल लिक्विड्स। ओके, क्योंकि आपस में मिले नहीं, उन्होंने आपस में अपनी दो अलग अलग लेयर बना ली, ऑयल की लेयर ये ऊपर वाली और उसके नीचे वाली वाटर की लेयर, सो ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं इनमिसिबल लिक्विड्स। ओके, अब मिसिबल लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा है, दूध और पानी, आपने दूध और पानी को मिला दिया, आप डिफरेंस कर पाओगे इसमें कि दूध और पानी है, इनसे दूध कहाँ है और पानी के अलग लेयर बन गया, दूध के अलग लेयर बन गई, तो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में बिल्कुल तरीके से घुल मिल जाए, दो दो लिक्विड्स आपस में
उनको मिला दो और वो पूरी तरीके से घुल मिल जाए और हम डिफरेंस नहीं कर पाए कि उनकी कि ये कौन से लिक्विड की लेयर है कौन सी, बिल्कुल आपस में घुल मिल जाए, ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा वाटर एंड मिल्क, जब आप उन दोनों को मिला दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वेरस इमिसिबल लिक्विड्स आपने लिया पानी और ऑयल, आपने अगर ऑयल और पानी को मिक्स किया तो आप हमेशा देखोगे कि ऑयल की लेयर हमेशा ऊपर रहेगी और वेरस वाटर की लेयर हमेशा नीचे रहेगी। ओके, सो ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। ओके, और जो पूरी और जो आपस में एक दूसरे से ना मिले उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स एंड वेरस वाटर एंड मिल्क आर मिसिबल लिक्विड्स। यहाँ पर आपका जो मैटर वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और पीडीएफ में आपको सेंड कर दूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।